हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा एमआई फ़ोन है, अपने एमआई फ़ोन का हम कैसे रीसेट कर सकते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर आकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन से हमारे फ़ोन में इस प्रकार से शो रहे हैं। तो हम अपने फ़ोन को रीसेट करना चाहते हैं तो हमें स्वाइप करके अपने सेटिंग्स आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो हमारी फ़ोन की सेटिंग्स हमारे फ़ोन में इस प्रकार से ओपन हो जाती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आता है एडिशनल सेटिंग, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो हमारे फ़ोन की एडिशनल सेटिंग से ओपन हो जाएगी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आ जाता है अपने फ़ोन का हम रीसेट कैसे कर सकते हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आया रीसेट का फैक्ट्री रीसेट, इस पर क्लिक करना है। तो इसके जो भी हमारे अकाउंट कॉन्टैक्ट एंड वीडियोस एंड ऐप्स और जो भी हमारी डिटेल्स वगैरह है हमारे फ़ोन में रीसेट हो जाएगी। हम इरेज ऑल पर क्लिक करेंगे और इसको हम रीसेट कर देंगे फैक्ट्री रीसेट। तो जो हमारे डिवाइस से मतलब 10 सेकंड के अंदर रीसेट हो जाएगा पूरे तरीके से। तो आप देख सकते हैं तो हमारा फ़ोन रीसेट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने फ़ोन में, तो देख सकते हैं आप, हमें नेक्स्ट कर देना। तो हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, शायद 5 सेकंड तक। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ़ोन है पूरी तरीके से रीसेट हो गया पूरा ऑल डाटा। तो हमारा पूरा रीसेट फ़ोन हो चुका है। तो हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ़ोन रीसेट हो रहा है। तो हमें थोड़ी देर सकते हैं हमारे जो भी हमारी रीसेट की डाटा जो भी सेटिंग है ओपन हो रही है, पूरी लोडिंग हो रही है। तो जो हमारा फ़ोन है अभी ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। तो देख सकते हैं कि जो हमारा फ़ोन है ओपन हो गया। तो इसमें जो भी हमारा प्रोसेस है उसका हम आपको करके दिखाएंगे। तो शायद हमारा जो रीसेट वगैरह है उसमें थोड़ी टाइम लग रहा है, तो हमें थोड़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके यहाँ पर ये लोडिंग सी हो रही है हमारे फ़ोन में। तो शायद हमें थोड़ी और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो रीसेट में जो भी हमारी टाइमिंग हो रही है हमारे फ़ोन में थोड़ी टाइम लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये ओपन हो गया है पूरी तरीके से। तो जो हमारा MIUI 12.5 वर्जन है इस पर शो हो रहा है, हम इसको नेक्स्ट कर देना है। तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। तो हम इसमें से हमें इंग्लिश पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर इसमें हमारे पास ऑप्शन आते हैं जो आपके रीजन है आपको इंडिया सेलेक्ट हो रखा है, तो हम इसको आगे कर देंगे। इसमें सेटिंग्स रीजन आ रहा है, इसमें देख सकते हैं आप। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया, तो फिर हम इस पर क्लिक कर देना है। इसमें जो हमारा वाईफाई वगैरह है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको कनेक्ट नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट करेंगे, स्किप कर देंगे। स्किप कर देते इसमें जो हमारा गेटिंग अगर फ़ोन रेडी से हमारे फ़ोन में हो रहा है, तो इसमें थोड़ी टाइम लगेगा, तो हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ गया कॉपी डाटा, जिसमें नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हमारे पास आ रहा है ऑप्शन, तो हम बैक कर देते हैं। बैक करते डोंट कॉपी करना है, डोंट कॉपी करते हमारे पास। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया, तो आपको उसमें ईमेल आईडी वगैरह डालना चाहते हो डाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है हम उसको टाइप कर लेंगे। तो जैसे हमारे जो हमारी ईमेल में ईमेल आईडी डाल दी है, तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करते ही हमारे पास ऑप्शन आ गया सकते हैं साइनअप का, तो जो भी आपका पासवर्ड इसको टाइप कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने पासवर्ड टाइप कर लिया, तो उसमें नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही जो हमारी इसमें जो भी हमारी गूगल अकाउंट है हमारे फ़ोन में साइनअप हो जाएगा। तो इसको मैं यस कर देंगे। यस करते हमारा जो अकाउंट हमारे फ़ोन में साइन हो जाएगा। तो
हमें इसमें 11 क्लिक करना है। इसके जो हमारा साइन अप है गूगल अकाउंट हमारे फ़ोन में ओपन हो गया है। उस पता हम गेटिंग अवर गूगल अकाउंट इन्फॉर हमारे इन्फॉर्मेशन हो रही है हमारे फ़ोन में, हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। गूगल सर्च हमारे फ़ोन में ओपन हो गया, फिर मोर करके हमें इसको एक्सेप्ट कर देना और कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करते ही इसके जो हमारे फ़ोन की जो भी सेटिंग्स वगैरह हमारे फोन में ये आ रही है, जस्ट इन सेकेंड योर असिस्टेंट विल बी राइट यू विल। हमारे पास ऑप्शन आ गया तो हम उसको डू नॉट अलर्ट पर कर देंगे और हमारा बैक हो जाएगा। इस टाइम इसमें आप कुछ भी करना ही चाहता है, नो थैंक्स करना है। जैसे आप फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो इसमें लगा सकते हैं। जैसे आप फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो फिर क्लिक करेंगे तो ऑनली स्क्रीन लॉक पर क्लिक करना है। क्लिक करके जो भी पैटर्न लॉक अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं आप। तो हमारे पास गोइड पर क्लिक कर देना है। गोइड पर क्लिक करके जो आपका पैटर्न लॉक सेट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा पैटर्न लॉक हमारे फोन सेट हो गया, नेक्स्ट करेंगे और एग्री कर देंगे। हम कोई भी ड्रॉअर सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं, तो उसको नेक्स्ट करना है और सेटअप कम्प्लीट। जो हमारा रीसेट रीसेट सेटअप कम्प्लीट है, हमारे फ़ोन में सेटअप कम्प्लीट हो गए। हमारे फोन लोडिंग ऐप्स हो रहे हैं हमारे फ़ोन में। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है, तो जो हमारा फ़ोन है कुछ इस प्रकार से हमारे फ़ोन में ओपन हो गया। तो जो हमारी रीसेट कंप्लीट सेटअप सेटिंग से हमारे फ़ोन है ओपन हो गई है। तो इस प्रकार ने फ़ोन की सेटिंग जाकर रीसेट सेटअप कंप्लीट सेटिंग्स को हम अपने फ़ोन में सेटअप कर सकते हैं अपने MI फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।